सबसे पहले एक बात बता दूं कि शाहरुख खान को सब लोग कॉर्पोरेट बुकिंग कहते हैं, लेकिन इस बार तो सबका वो पत हो गया होगा, क्योंकि अगर उन्हें कॉर्पोरेट बुकिंग ही करना होता तो डंकी का डे ही 50-60 crore ही इंडिया ने दिखाते, ना तो 20-30 crore के रेंज में। ये मैं उन लोगों को कह रही हूँ जो मूवी फैंस नहीं होते, बस एक एक्टर को गिराने वाले लोग होते हैं। अब उससे बड़ी बात, सलार का काफी हाई नंबर सामने आ रहा है, बॉक्स ऑफिस इंडिया कुछ कह रहा है तो कहीं पिंक वेला कुछ कह रहा है, बट आई वुड स्टिल सपोर्ट कि जो मेकर्स नंबर्स दिखा रहे हैं वो सही ही होगा। अब मैं आपको इस वीडियो में ऐसे नंबर्स बताऊंगी डंकी और सलार से रिलेटेड जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। डंकी का तो आपने अब तक देख ही लिया होगा, यानी 3 दिन में ओवरऑल कलेक्शन कर लिया है 157 crore वर्ल्ड वाइड। फिल्म का बजट है 120 crore और ऑलरेडी एक सोशल ड्रामा फिल्म ने 157 crore कर भी दिया है। अब उससे बड़ी बात, डंकी ने डे 1 पे किया था 30 crore और डे 2 पे किया था 20 crore, तो अब ऐसा लग रहा था कि 20 crore के ऊपर ये नहीं जा पाएगा, पर उसके बाद क्या हुआ, डंकी का पॉजिटिव रिव्यू फैला। सिंपल एंड क्लीन मूवी और फैमिली को मूवी आ रही है पसंद, तो तुरंत सैटरडे को इंडियन नेट फिगर आया 26 crore। अब आज डे 4 को फिगर सुनकर जो हेटर्स है ना उनके पसीने निकल जाएंगे, 34 crore इंडियन नेट। हाँ बॉस, ये बहुत बड़ा जंप आया है और काफी बड़ा कंसिडरिंग अ सोशल ड्रामा फिल्म, वो भी क्लैश कर रहा है एक एक्शन मूवी के साथ। तो डे 4 का ओवरसीज से आ जाएगा 25 crore, तो सब मिलाकर बस 4 दिन में डंकी ने मार दिया है 216 crore। इनक्रेडिबल बॉस, इनक्रेडिबल। हैट्स ऑफ टू SRK एंड राजू हिरानी फॉर पुलिंग दिस ऑफ। इतने कम स्क्रीन्स मिल रहे हैं और ये जो नॉर्थ में जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना वो इतने कमीने हैं कि मैक्सिमम स्क्रीन दूसरे मूवी को दे दिए गए जो कि एक एक्शन मूवी है, साथ में एक्वामैन भी है, फिर भी इतना कलेक्शन लाना बहुत बड़ी बात है। अब देखिए सलार का भी काफी अच्छा रिस्पांस आया है, जहां तक लग रहा था कि ये मूवी हिंदी में नहीं चल रही है, पर ऐसा नहीं है, मास मूवी है और ऑडियंस को एक्शन मूवी एवरेज भी हो तो पसंद आ जाता है। सलार का मिक्स रिव्यूज के बावजूद भी इतना अच्छा होल्ड रखा है। ऑलरेडी आपने देख ही लिया होगा कि 2 दिन का मेकर्स ने कलेक्शन डाला है 295 crore, काफी बड़े नंबर्स है और इसमें प्रीमियर भी एडेड है। अब डे 3 का जो नंबर आया है वो डे 2 से भी ज्यादा है। अब डे 2 में इंडिया में सलार का था 56 crore नेट, तो अब तक का डे 3 का जो फिगर ऑल इंडिया नेट से आया है 70 crore, तो ये अच्छा खासा जंप है। और हिंदी में से डे 2 में सलार ने किया था 16 crore, तो डे 3 में हिंदी से किया है ऑलमोस्ट 20 crore। देखिए ये अब तक का रफ डेटा है, सुबह तक हमें फाइनल फिगर्स मिल जाएगा, पर जो नंबर्स है वो डे 2 से ज्यादा ही है। तो सलार का डे 3 का होल्ड काफी अच्छा है, जैसे डंकी का डे 4। तो सलार का सब मिलाकर 3 दिनों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो गया है 409 crore। हाँ बॉस, डे 2 में था 297 crore और अब डे 3 सब कुछ मिलाकर हो गया है 409 crore। देखिए एग्जैक्ट नंबर कल सुबह के वीडियो में मैं प्रेजेंट कर दूंगी, पर इतना श्योर है कि 400 करोड़ तो क्रॉस कर दिया होगा 3 दिनों में। तो डंकी और सलार दोनों ही मूवी का काफी अच्छा दिन था आज, और दोनों ही मूवी का ऑक्यूपेंसी भी काफी अच्छा रहा। डंकी ने 4 दिनों में कर लिया है 216 crore, तो वहीं सलार ने कर लिया है 400 crore। तो बॉस बस अभी ट्यूजडे से शुरू होगा असली गेम, जहां मूवी प्योरली कंटेंट के बेस पर चलेगी। 216 crore इन 4 days एक क्लासिकल मूवी के लिए बहुत अच्छा कलेक्शन है, क्या बोलते हो आप, कमेंट करो। और सलार कितना करेगी, क्या 800 crore होगा लाइफ टाइम या 1000 crore, आपका ओपिनियन जरूर बताओ। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक बनता है और वो घंटी दबाना मत भूलना, ताकि मेरे वीडियोस आपसे मिस ना हो। थैंक यू।